हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉसिको आईपीआर चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डोमिनोस की आईपीआर स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि डोमिनोस इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बना वर्ल्ड के अंदर। कभी आपने सोचा है? देखो, एक छोटा बिजनेसमैन होता ना, वो एक रेस्टोरेंट चालू करता है, उसको स्केल नहीं कर पाता, फ्रेंचाइज मॉडल नहीं ला पाता, हर सिटी के अंदर अपने आउटलेट नहीं खोल पाता। और डोमिनोस ने हर सिटी के अंदर नहीं, हर देश विदेश के अंदर अपने आउटलेट खोले। आज डोमिनोस काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है और डोमिनोस के मालिक को ज़रूरत नहीं कि हर कंट्री के अंदर जाऊं, डोमिनोस के आउटलेट पे चेक करूं कि पिज़्ज़ा कैसे बन रहा है, डिलीवरी कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। वो मालिक तो बैठे हैं मस्त आराम से एसी हॉल के अंदर। तो उन्होंने ये कैसे करा, कैसे डोमिनोस इतनी बड़ी ब्रांड बनी? आज मैं पिज़्ज़ा की बात करूं ना, अगर दो जने आपस में खड़े होके पिज़्ज़ा वर्ड यूज़ करें तो सबसे पहला नाम आता है डोमिनोस। पिज़्ज़ा हट भी नहीं आता, डोमिनोस ही आता है। तो डोमिनोस कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बन गया, आज सारी केस स्टडी प्लस एग्जांपल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख के जाना। देखिए, कभी भी आपको स्केलेबल बिजनेस बनाना है ना, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। समझाता हूँ क्यों। देखिए, आज एक छोटा हलवाई होता है ना, वो स्केल क्यों नहीं कर पाता है? छोटा हलवाई है ना, वो खुद लड्डू बनाता है, कचौड़ी बनाता है, समोसे बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक डाउट है कि जैसे ही मैं किसी बंदे को लेकर आया, मेरे उस पर बिठाया कढ़ाई पे, उसको कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन बनाना सिखा दिए और मेरे जैसा टेस्ट लाना सिखा दिया, कल वो मेरे यहाँ नौकरी छोड़ के मेरे सामने दुकान डाल के बैठ जाएगा और मेरे सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। इसलिए जो लल्लूलाल हलवाई होता है ना, ये छोटा बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाते हैं, ये उसी उलझन में फंसे रहते हैं। बट डोमिनोस ने ऐसा क्या करा, उन्होंने एक सिटी में नहीं, पूरे देशों में विदेशों में अपने आउटलेट्स बांट डाले और आज तक उनको कोई कॉपी नहीं कर पाया। ऐसा उन्होंने क्या करा जिससे एंटी बैरियर क्रिएट हो गया बाकी पिज्जा चेन्स के अंदर और डोमिनोस के अंदर? तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले डोमिनोस ने जो अपना नाम है ना, वो कॉइन नेम रखा। अभी कॉइन नेम क्या होता है पूछेंगे, कॉइन नेम वो नेम होता है जिस नेम का कोई मीनिंग नहीं होता। पूमा, नाइकी, एडिडास, ये नाम जनरेट करे जाते हैं खुद अपने आप। फाउंडर्स कुछ नाम को सोचते हैं, उस नेम को क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करी जाती है, ब्रांडिंग करी जाती है। कॉइन नेम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेम होते हैं क्योंकि इनको डिल्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एप्पल, अब एप्पल क्या कॉइन नेम नहीं है, एप्पल एक फ्रूट का नेम है। आज एप्पल कंपनी किसी फ्रूट सेलर को रोक नहीं सकती है, सिर्फ वो ई कॉमर्स लाइन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन के अंदर किसी को रोक सकता है एप्पल वर्ड यूज़ करने से। तो वहाँ पे वो मार्क डिल्यूट हो गया फ्रूट्स लाइन के अंदर, तो ये दिक्कत रहती है। बट डोमिनोज जैसी ब्रांड ने कॉइन नेम को चूज़ करा, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, इनका लोगो भी बहुत अच्छा है। देखिए, जो डोमिनोज का लोगो है ना, उसमें तीन डॉट आपको देंगे। कहानी बताता हूँ, जब डोमिनोज चालू हुआ था ना, तब फाउंडर्स को बिलीव नहीं था कि हम इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर देंगे। जब उन्होंने स्टार्ट करा तो पहला स्टोर सक्सेसफुल हुआ, दूसरा स्टोर डाला सक्सेस, तीसरा स्टोर डाला सक्सेस। अब फाउंडर के भी डिस्कशन हुआ कि हम जितने स्टोर्स खोलेंगे उतने हम हमारे लोगों के ऊपर डॉट बनाते जाएंगे। पहला डॉट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, अब जगह कम पड़ने लगी और उन्होंने देखा कि हमारी सक्सेस तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आउटलेट्स हमारे खुल रहे हैं। फिर फाइनली उन्होंने और डॉट्स नहीं बनाए। आज भी डोमिनोज के जो लोगो है ना, देखो डोमिनोज का लोगो चार बार चेंज हुआ था। सबसे पहला लोगो बनाया गया था 1965 में, फिर 1975 में चेंज हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1966 में, फिर 2013 में से लेकर अभी तक जो प्रेजेंट है। बट एक चीज़ कॉमन है, वो है तीन डॉट्स। इनका तीन डॉट्स का इनके पास आईपीआर है और एक अलग तरीके से डिज़ाइन के साथ तीन डॉट्स भी लगाए गए, एक ब्लॉक में दो डॉट और दूसरे ब्लॉक में एक डॉट। तो ये तीनों डॉट्स जो ओरिजिनल रेस्टोरेंट है डोमिनोज के, उनको डिनोट करते हैं। अब चलते हैं आगे, डोमिनोज वर्ल्ड में कैसे फैला। डोमिनोज के मालिक को समझ में आ गया था कि पूरे दुनिया में फैलना है ना, हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के, सिस्टम्स के, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो रेस्टोरेंट्स के सॉफ्टवेयर खरीदना चालू करें। दूसरी चीज़ जो ज़रूरत थी वो थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, R&D करते हैं, उस पर इतना सारा खर्चा करते हैं, अगर कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने लग गया, हमारे इनोवेशन को लेके जाने लग गया, तो हमारा स्केलेबिलिटी नहीं आएगी, हम स्केल नहीं कर पाएंगे, कस्टमर हमसे माल नहीं खरीदेगा। क्योंकि आज डोमिनोज पर डे 30 लाख से ज़्यादा पिज़्ज़ा डिलीवर करता है। तो आप समझ सकते हैं 30 लाख पिज़्ज़ा पर डे बहुत बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, स्केलेबिलिटी लाने के लिए, उन्होंने अपने सारे पेटेंट्स, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन और अपने ट्रेडमार्क्स फाइल करना चालू करें। उसके बाद इनको समझ में आ गया था फ्रेंचाइजी तभी हमसे माल लेगा या हमारे साथ जुड़ेगा जब उसको एक्सक्लूसिविलिटी दिखेगी कि डोमिनोज के पास ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। इसलिए इन्होंने हर चीज़ का पेटेंट फाइल करा, जैसे चीज़ कैसे स्प्रेड करते हैं, चीज़ बस्टर, पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी से लेके जो बॉक्स आता है ना डोमिनोज का, वो उनका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है, उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन लिया, जो उसके ऊपर डिज़ाइन है उसका कॉपीराइट लिया। उसके बाद हर एक पिज़्ज़ा के नेम का ट्रेडमार्क फाइल करना चालू करा जिससे यूनिकनेस क्रिएट कर पाए। आज
डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपके जेब में 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, नहीं है तो आप डोमिनोज के साथ फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी सस्ती नहीं आती है, क्यों? इतने आईपीआर से इनके पास एंटी बैरियर क्रिएट कर दो, कॉम्पिटिटर कभी आपके धंधे के अंदर नहीं आ पाएगा और आप पूरी दुनिया में स्केल कर जाओगे। फिर इन्होंने हर कंट्री के अंदर गए, हर कंट्री में मास्टर फ्रेंचाइज ढूंढा, उससे एग्रीमेंट करा कि हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बट हाँ हम आपको सारी चीज़ बता तो रहे हैं बट आपके पास कोई राइट नहीं है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छिड़कानी करो, प्लस अपनी कंट्री में जाकर रजिस्टर्ड करा लो। उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंचाइज को और स्केल करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक चीज़ सोची, दो चीज़ें इन्होंने देखी, वो देखा पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट्स। पेटेंट की देखो लाइफ होती है 20 साल, ट्रेड सीक्रेट की कोई लाइफ नहीं होती है, लाइफ टाइम कितना भी लंबा आप खींचो। कोका कोला का फॉर्मूला 100 साल से ही पुराना है, आज तक किसी को नहीं पता। अब पेटेंट्स इन्होंने उस चीज़ का कराया जो इनको समझ में आ चुका था कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको फ्रेंचाइज पे ही बनाना पड़ेगा, जैसे कटिंग करना, ये करना, वो प्रिपरेशन करना, सारी चीज़ें लगाना, बट जो सॉस हम बनाते हैं इन सबको हम सेंट्रलाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसका ट्रेड सीक्रेट ले लेते हैं, उसको हम किसी भी आउटलेट को नहीं बताएंगे कि हमारी सॉसेस बनती कैसे। इसी तरह सॉसेस एक जगह बनाई जाती है, उसको जहाँ पे भी इनकी फ्रेंचाइजी वहाँ पे पहुँचाया जाता है, और लोकल मटेरियल्स जैसे जो भी सब्जी होती है, खाने के पनीर होते हैं, वो लोकली परचेज करा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आईपीआर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डोमिनोज हर देश के अंदर फैला, प्रोडक्शन में कंट्रोल लाया। अब इंडिया के अंदर मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज आपका एक फूड आउटलेट क्लाइंट है, आप एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हैं या स्टूडेंट अभी करना चाहते हैं, तो क्या होता है जनरली हमें लगता है कि ट्रेडमार्क सिर्फ क्लास 30 और फूड रेस्टोरेंट का बता रहा हूँ, क्लास 30 होता है टी, कॉफ़ी, शुगर, ऐसे आइटम्स के लिए जो ग्रोसरी स्टोर में रखे जाते हैं, और क्लास 43 रेस्टोरेंट्स के लिए, इन क्लासेस में होता है। गलत सोच है ये, बिल्कुल गलत सोच है। डोमिनोज का ट्रेडमार्क मैक्सिमम क्लासेस में रजिस्टर्ड है, एंड क्लास 35 में भी है, 39 में भी है, 43 में भी है, 41 में भी है, 29 में भी है, 31 में भी है। अब आप सोच रहे होंगे डोमिनोज ने इतने सारे क्लासेस में कैसे रजिस्टर्ड कराया, राइट? तो उनका काम तो उनका 30 और 43 का, ये 35 में कैसे पहुंच गए? यही आपको बिज़नेस समझना है अपना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अपने बिज़नेस को समझो, एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हो तो क्लाइंट के बिज़नेस को समझो। डोमिनोज क्या करता है, फ्रेंचाइजी देता है, आगे बिजनेस को बढ़ाता है, तो उसके लिए होती है क्लास 35। तो उसने क्लास 35 में एंट्री ले ली और अपने मार्क को रजिस्टर्ड करा दिया क्लास 39। अब क्लास 39 किस काम आता है, क्लास 39 काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के। डोमिनोज 30 मिनट्स के अंदर फ्री होम डिलीवरी करता है, और आपको शायद पता ना हो ये जोमेटो, स्विगी, ये सारे तो अभी आए क्लाउड बेस्ड किचन, इससे पहले डोमिनोज वर्ल्ड का मार्केट लीडर था 30 मिनट्स पिज्ज़ा डिलीवरी के अंदर, ये इन्हीं की इनोवेशन थी। उसके बाद इनके पास ट्रेडमार्क है खुशियों की होम डिलीवरी, अगर आपने देखा उन्होंने काफ़ी बार इस लाइन्स को प्रमोट कराए सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, अपने बॉक्सेस के थ्रू, खुशियों की होम डिलीवरी, क्योंकि ये चाहते हैं कि कस्टमर हमसे ज़्यादा होम डिलीवरी कराए। इसका भी राइट्स इनके पास है, इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है स्लोगन का भी। अब क्लास 29 में एडिबल ऑयल्स, उसमें भी ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। 35 में फ्रेश वेजिटेबल्स, उसका भी ट्रेडमार्क फाइल कर दिया डोमिनोज वालों ने। तो ऐसे करके ये समझते हैं कि ट्रेडमार्क अटॉर्नी की कौन कौन सी क्लास में हम इनको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्या क्या बिजनेस मेरा क्लाइंट कर रहा है, उस हिसाब से मल्टीपल क्लास में जाते हैं जिनसे इनका ब्रांड नेम कोई कॉपी ना कर पाए, स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए, एंड इनकी मार्केट वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से बढ़े। सो फ्रेंड्स, ये थी डोमिनोज की सक्सेस स्टोरी कि कैसे डोमिनोज एक रेस्टोरेंट से पूरी दुनिया भर में फैल गया, और आज पिज्ज़ा बोलते ही हमारे माइंड में सिर्फ डोमिनोज आता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आप और केस स्टडी चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर कौन सी वीडियो पर एंड कौन सी कंपनी पर केस स्टडी बनाऊं, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऑसम वीडियो लाते रहूं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हमको इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए धन्यवाद।